हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं क्षमा चाहती हूं, बहुत दिनों से आप लोगों को नीलाज गार्डन की कोई अपडेट वीडियो नहीं दे रही थी। आज जो वीडियो आप लोगों को दूंगी उसमें अरुणिमा और अंबिका सेंसेशन टॉमी एटकिंस ये जो पौधा है इसका मादर प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग कैसे इसको पत्ता देख के पहचान सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और उसके साथ नीलास गार्डन में ये सब पौधा अवेलेबल है, उसका साइज कितना है, दिखने में कैसा है, सभी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। और नेक्स्ट मंगलवार को फिर से नीलास गार्डन की एक अपडेट वीडियो आएगी, क्योंकि नीलास गार्डन में अभी बहुत सारा पौधा आया है और उनका जो मतलब हाइट है, साइज है, वो सब दिखा के एक वीडियो फिर से मैं मंगलवार को आप लोगों के लिए डालूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ये है अंबिका। अंबिका कोई पूषा का वैरायटी नहीं है, पूषा का जो वैरायटी है वो दूसरा है, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो डालूंगी। ये है जो लखनऊ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है इसी का ये रिसर्च किया हुआ है अंबिका और अरुणिका। अंबिका का पत्ता देखिए, इसका अंदर एक मतलब क्या बोलूँ उसको, एक डैब डैब सा रहता है, देखिए प्लेन नहीं होता है, अनइवन होता है। और इसका पत्ता गौर से देखिए सामने से, ताकि जहाँ से भी आप लोग खरीदें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड, पौधा खरीदना या पैसा या साइज इसका कोई मैटर नहीं होता है, जितना कि मैटर करता है हम लोगों के मतलब ऊपर वो है टाइम और हमारा जो इमोशन, हमारा इमोशन इस पौधे के ऊपर रहता है और समय बहुत हम लोगों का जाता है। तो सही पौधा अगर हम लोगों को थोड़ा पहचान में आए तो हम लोग इसको खरीद सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अंबिका जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा एक वैरायटी है। जो लखनऊ मैंगो फेस्टिवल था उसमें 3 साल ये फर्स्ट प्राइज जीता है। आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा एक वैरायटी है। लेकिन इसमें भी पौधा में भी मैंगो हुआ था, 4 मैंगो हुआ था, लेकिन मंकी ने आके सब उठा के ले गया, इसलिए आप लोगों को फ्रूट मैं नहीं दिखा सकी। तो नीलास गार्डन में जो भी पौधा आता है यहाँ से रेडी होता है। जो नर्सरी फ्रेंड है, जो होलसेल में लेना चाहते हैं या बल्क में इसको ख़रीद के रिसेल करना चाहते हैं, या किसान भाइयों जो खेती करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ओरिजिनल अंबिका वैरायटी है और पौधे का साइज 2 से 2.5 फीट का है। पौधा अच्छा कंडीशन में भी है और जोर कलम का पौधा है। इसीलिए किसान भाइयों के लिए बोल रही हूँ, जो भी मैंगो के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं फिर से एक रिसर्च सेंटर का वीडियो भी आप लोगों के लिए लाऊंगी। खेती के लिए अगर पौधा कलेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है अरुणिका प्लांट। अरुणिका मैंगो प्लांट का भी आप पत्ता थोड़ा आप लोग देख लीजिए। पहले मैं मदर प्लांट का पत्ता आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग कहाँ से भी खरीदेंगे तो हम लोगों को पहले इसको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। मैंगो का पत्ता पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी हम लोगों को ट्राई तो करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत जान सकेंगे तो अच्छा होगा। तो ये है अरुणिका का पत्ता, ये है मदर प्लांट, इससे ही पौधा बनाते हैं। अरुणिका मैंगो बहुत अच्छा वैरायटी का है, बहुत मीठा होता है, कलरिंग है और उसको खाने में भी बहुत अच्छा है। तो इसको अगर हम लोग घर में लगाए या खेत में लगाएंगे या बगीचा बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक आम होगा और इसका फलन भी बहुत अधिक होता है। फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को छोटा पौधा दिखाऊंगी जो सेल करने के लिए तैयार है। ये जो पौधा है ये अरुणिका का सेल करने के लिए पौधा है। इसका साइज कैसा है, कैसा वैरायटी है, ये भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पौधा है। फ्रेंड्स, फिर से बोल रही हूँ कि अगले मंगलवार को आप लोगों को नीलास गार्डन का और एक अपडेट वीडियो मिलेगी, जहाँ पे हर वैरायटी का मैंगो आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए ये है अरुणिका का छोटा पौधा, जोर कलम का पौधा है और 2 फीट का हाइट है। और पौधा देखिए अच्छी कंडीशन में है, ये देखिए ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी ऑनलाइन में आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं
और अगर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आप लोग चेक कर दूंगा, क्योंकि कुछ दिन व्हाट्सअप ठीक से चेक नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बाहर थी, आप लोग जानते ही है। और यहाँ पे जो मैंगो है ये है सेंसेशन का मादर प्लांट। सेंसेशन मैंगो एक बहुत ही अच्छा मैंगो प्लांट है, मैंगो का वैरायटी है, दिखने में बहुत अच्छा होता है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है। और सिर्फ एक है कि इसके मतलब स्किन में थोड़ा सा स्पॉट आ जाता है, ज़्यादा दिन इसको रखा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा स्पॉट आता है, लेकिन मैंगो का वैरायटी बहुत अच्छा है। कोई फ्रेंड अगर जानना चाहते हैं कि मैंगो कैसा है तो मेरे मतलब चैनल में वीडियो दिया हुआ है अंबिका अरुणिका सेंसेशन, इस सभी के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए इनका इसका पौधा जो है सेंसेशन मैंगो, ये है सेंसेशन, इससे सायन निकाल के ही पौधा बनाया जाता है। अगर कोई गार्डन करना चाहते हैं बल्क के मतलब हिसाब से ये पौधा कलेक्ट करना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन सभी का पौधा अवेलेबल है। देखिए पत्ते को गौर से देख लीजिए कैसा है। बहुत फ्रेंड है जो बाहर से देख रहे हैं आ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि आप लोग मदर को भी देखिए और उसका जो छोटा पौधा है उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड हम लोग गार्डनर है, हम लोगों को जो भी पौधा ख़रीदना है पहले जानकारी लेना चाहिए कि पौधा कैसा होता है, फ्रूटिंग कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, उसके बाद हम लोग अगर लेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम कम होगा और हम लोगों का जो टाइम है, जो समय हम लोग पौधे के ऊपर देते हैं वो मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब वेस्ट नहीं होगा, वही है। ये देखिए ये है सेंसेशन का मैंगो प्लांट, ये खड़ा ही नहीं हो रहा है, थोड़ा मतलब टेढ़ा है। ये देखिए ये सेंसेशन का मैंगो प्लांट है, पौधा छोटा पौधा जो आप लोग मतलब ख़रीदेंगे, ये नीलाज गार्डन में अभी अवेलेबल है, ये भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। नीलाज गार्डन में जो भी पौधा अवेलेबल होता है सभी को मादर देख के पहचान के मादर से कलेक्ट करके ये लाया जाता है। और जिन लोगों को नीलाज गार्डन में भरोसा है या पौधा लेना चाहते हैं वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जिन लोगों के मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो लोग ना लें तो ही अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए ये है टॉमी एटकिंस, ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है, आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो दिया है। जो फ्रेंड आज नए हैं अगर वो लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस पहले का वीडियो भी मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप लोगों को ये सब वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे या थोड़ा सा भी इसमें आप लोगों को मतलब हेल्प हो सके तो ज़रूर इसको फ्रेंड में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर और लाइक करेंगे तो ये वीडियो दूसरों के पास भी जाएगा और वो लोग अगर देखेंगे तो उनको भी हेल्प होगा। देखिए फ्रेंड टॉमी एटकिंस का छोटा पौधा जो है, मैं नीलाज गार्डन में सब मैच्योर प्लांट रेडी करती हूँ क्योंकि मैच्योर प्लांट से हम लोगों को जल्दी फ्रूटिंग मिलता है, जब बहुत मतलब पुराना देख के रेडी करती हूँ। फ्रेंड फिर से बोल रही हूँ, मंगलवार को फिर से अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए ला रही हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सभी सुस्त रहे, अच्छे रहे, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत